योगी और अन्य लोग अलग अलग तरह के दिव्य दर्शियों ने रहने के लिए हमेशा पहाड़ों को चुना, क्योंकि वो अपने चारों ओर ठोस पदार्थ चाहते हैं। जब वो कुछ खास साधना करते हैं, अपने अंदर कुछ खास ऊर्जा पैदा करते हैं, तो वो धरती के खोल में रहना चाहते हैं। मैदानों में आप उस तरह का खोल तभी बना सकते हैं अगर आप एक गड्ढा खोदकर उसमें चले जाएं। मगर इससे कई समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए वो कुदरती तौर पर पहाड़ों की शरण लेते हैं, जहां गुफाएं और खोल जैसी महसूस होने वाली दूसरी जगहें होती हैं, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को एक खास तरह से संरक्षित करना चाहते हैं। उनमें से कई उस छोटी सी गुफा में अपनी खुद की एक पूरी दुनिया बना लेते हैं। आपके लिए वो सिर्फ एक छोटी सी गुफा है, मगर उनके लिए वो उनकी अपनी सृष्टि है।